हेलो गाइस, आज से हमारा एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम होने वाला है ब्लडी एमसी, क्योंकि इसके अंदर हम एक ब्लडी एमसी सर्वर बनाने वाले हैं जो कि वेलो सिटी के साथ कनेक्टेड होगा और उसके अंदर लाइव स्टील होगा, सर्वाइवर होगा, हेड स्टील होगा और बहुत सारे मिनी गेम्स प्लस मॉड्स होने वाले हैं। तो ये सीरीज काफी ज्यादा ओपी मस्त एंड सुपर होने वाला है, तो इस सीरीज को बहुत सारा प्यार देना जो कि ये पहला वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग 500 लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और आज के पार्ट वन में हम लोग पूरा वेलो सिटी का सेटअप कराएंगे। अगर आप बंजी कोट यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट वेलो सिटी बंजी कोट से फास्ट भी होता है और ज्यादा सेफ भी होता है, तो मैं बोलूंगा बंजी कोट के जगह वेलो सिटी यूज करना। बाकी अगर आपको बंजी कोट सेट करना है तो उसको सेटअप का एक अलग मैंने वीडियो बना रखा है पहले, उसको देख के आप बंजी कोट का सेटअप कर लेना, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अब चलते हैं हम लोग वेलो सिटी के सेटअप पे, लेट्स गो। तो देखो यहाँ पे मैंने एक पेड होस्टिंग में 4 सर्वर लेके रखा है जो कि लाइव स्टील एक नाम है, एक सर्वाइवर एक नाम है, एक हेड स्टील है और एक वेलो सिटी का है। वेलो सिटी 2 GB का है, हेड स्टील 16 GB का है, सर्वाइवर 16 GB का है, एक जो 32 GB है। हम लोग इसी में मेन लॉबी भी बनाएंगे और प्लस लाइव स्टील भी बनाएंगे, बट आप चाहो तो इस 32 GB को आप 16 16 में डिवाइड करके टोटल 5 सर्वर भी ले सकते हो, या फिर अगर आपको हेड स्टील या सर्वाइवर नहीं चाहिए तो आप टोटल 4 लगना, एक लॉबी, एक लाइव स्टील, एक सर्वाइवर या हेड स्टील के लिए। ओके, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि 32 को डिवाइड करवा दूं एक लॉबी के लिए एक लाइव स्टील के लिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। पर सपोज कर लो ये हमारा लॉबी के लिए है और ये सर्वाइवर और ये हेड स्टील और इसी में लॉबी के साथ लाइव स्टील भी होगा, ठीक। और वेलो सिटी का आपको सेटअप करना है तो पहले आप सर्वर खरीदना और एक बार सब सर्वर को स्टार्ट कर लेना जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखा है। स्टार्ट करके फिर आप सब सर्वर को ऑफ कर देना और उसके बाद जैसे कि मैं वेलो सिटी को यहाँ ऑन कर लूंगा और बाकी सबको एक अलग अलग टैब में ऑन कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हमारा लाइव स्टील, यहाँ पे सर्वाइवर, यहाँ पे हेड स्टील ऑन हो गया और इस वाले में हम वेलो सिटी ऑन कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको वेलो सिटी वाले के फाइल पे क्लिक करके फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको इतने फाइल में आपको जो वेलो सिटी .toml दिखेगा इसके अंदर आप जाना और इसके अंदर जाके आपको थोड़े सेटिंग्स करने होंगे। तो सबसे पहला सेटिंग यहाँ पे बाइंड में देखो एक पोर्ट है, अगर आपका पोर्ट जो आपका आईपी इधर में ऊपर में दिखेगा वो आईपी जो है वो पोर्ट दोनों सेम है, इस आईपी में जो पोर्ट है तो वो सेम रहने देना। अगर पोर्ट यहाँ पे अलग है और आईपी का पोर्ट अलग है तो यहाँ पे जो आपका सर्वर का वेलो सिटी सर्वर का जो पोर्ट है वो पोर्ट यहाँ पे लिख देना, मेरा सेम है तो मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, आपका सेम नहीं है तो सेम कर देना, बाकी आईपी में 000 रहने देना, बस पोर्ट सही से अपना आईपी ये वाला लिख देना, ओके। उसके बाद आपको मोटिटी के अंदर कुछ लिखना है तो आप वो लिख सकते हो, अगर आपको मोटी को कलरफुल में लिखना है तो वो क्या है अगर आपको नहीं मालूम तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। बाकी मोटी में समझ लो मैं यहाँ पे वेलो सिटी सर्वर के जगह अपना लिख देता हूँ ब्लडी एमसी, ज्वाइन ब्लडी एमसी, मैं लिख देता हूँ ज्वाइन ब्लडी एमसी, ओके, एंड एसएमपी, ज्वाइन ब्लडी एमसी एसएमपी। और उसके बाद आपको मैक्स पिलर कितना रखना है तो मैं 500 तो नहीं रखूंगा, 100 कर देता हूँ, आपको जितना रखना है उतना रख देना। फिर ऑनलाइन मोड मैं अभी 2 रख रहा हूँ, जब मैं लॉग इन सिक्योरिटी का प्लग इन वगैरह डाल दूंगा तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, तो अगर आप पहले से डालने वाले हो तो आप इसको फॉल्स कर दो, बट मैं अभी यहाँ 2 रख रहा हूँ। तो ये याद रखना आप यहाँ पे 2 रखे हो कि क्या, यहाँ पे जो रखे हो आपको इधर में उसका सेटिंग भी करना पड़ेगा, ठीक। तो ये याद रखना आप यहाँ का ऑनलाइन मोड 2 है या फॉल्स, तो मैं 2 रखता हूँ, अगर आपको क्रैक ऑन करना है तो फॉल्स कर देना, ठीक। मैं अभी फॉल्स करूंगा बट फ्यूचर में, अभी नहीं। फिर उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको देखो ये जो नॉन लेगेसी बंजी कोड मॉडर्न है, इसमें आपको बंजी कोड करोगे तो ठीक है, बट बंजी कोड मतलब सबसे बेस्ट जो होता है वो मॉडर्न होता है, तो आप सिंपली यहाँ पे जो नॉन लिखा ना नॉन को काट देना और कैपिटल में मॉडर्न लिख देना, मॉडर्न। अगर आपको स्पेलिंग आप नहीं मालूम तो यहाँ पे देखो मॉडर्न लिखा है, ये इसी को यहाँ पे कैपिटल में लिख देना, ओके। ये अगर आप मॉडर्न कर दोगे तो अब इससे क्या होगा कि बंदे जो वेलो सिटी का आईपी आप बनाओगे उसी आईपी से हर एक सर्वर ज्वाइन होगा, अगर आप बंदे लाइव स्टील का आईपी से ज्वाइन करेंगे तो वो नहीं होगा, सर्वाइवर से करेंगे ज्वाइन नहीं होगा, उनको वेलो सिटी से मेन सर्वर में जाना है और फिर उसके थ्रू एक दूसरे सर्वर में जा सकते हैं, ठीक। अब इसको मॉडर्न कर देना और फिर फॉरवर्डिंग सीक्रेट है, इसमें कोड आता है जिसको हम लोग बाकी के सर्वर में सेट करना है, वो मैं बाद में कराऊंगा, ये अभी आपको कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना। फिर आपको यहाँ अनाउंसिंग फोर्स में भी कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे इसमें भी कुछ भी नहीं करना, फिर आपको नीचे जाना, पिंग पास थ्रू कुछ नहीं करना, फिर आपको यहाँ सर्वर दिखेगा जिसमें आपको देखो लॉबी, मिनी गेम, ट्राई, फैक्शन, आपको इतना अलग अलग लॉबी है, ठीक। तो आपका जो पहला दूसरा है ना ये ट्राई वाला में आपको प्रायोरिटी सेट करना है और इन दोनों में आपको अपने जो जो सर्वर है उसका सेटअप करना है। तो पहला सर्वर जो हमारा लॉबी का है उसका नाम है लाइव स्टील, तो मैं यहाँ पे लॉबी जो नाम लिखा ना उसका नाम काट के मैं यहाँ पे लिख दूंगा लाइव स्टील, लाइव स्टील, ओके। और लाइव स्टील लिखने के बाद मैं लाइव स्टील का
जो आईपी है इसको कॉपी करूंगा और इसी आईपी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इस आईपी को यहाँ पे काटूंगा, दोनों कॉमा नहीं करना आपको, कॉमा के बीच में आईपी को पेस्ट कर दो, सिंपली पेस्ट हो गया। फिर आपका सेकंड लॉबी है सर्वाइवर का, तो मैं यहाँ इसका नाम लिख दूंगा सर्वाइवर, मिनी गेम्स यहाँ पे मैं कट करूंगा और मिनी गेम्स की जगह मैं लिख दूंगा सर्वाइवर सर्वाइवर, और सर्वाइवर में मैं सर्वाइवर वाले अपने जो सर्वर है उसका आईपी कॉपी करूंगा और उस आईपी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा सर्वाइवर का आईपी पेस्ट हो गया। और उसके बाद हम थर्ड ने अपना सर्वर का नाम यहाँ पे इंटर देंगे और थर्ड वाले का नाम है हेड स्टील, तो हम यहाँ पे हेड स्टील लिख देंगे और फिर एक स्पेस देके ये इक्वल का साइन देंगे और फिर स्पेस देंगे यहाँ पे डबल वाला कॉमा देंगे, ये वाला डबल कॉमा, और उसके बाद आपको हेड स्टील का आईपी को इसके बीच में पेस्ट कर देना है, ठीक। तो ये हमारा तीनों सर्वर का नाम और आईपी हमने वहाँ पे सेट कर दिया। अब इसका प्रायोरिटी सेट करना है कि पहले जब बंदे सर्वर ज्वाइन करेंगे तो उनका पहले कौन सा सर्वर ज्वाइन होगा, मेन लॉबी का, तो पहले हमारा मेन लॉबी जो है लाइव स्ट्रीम होगा तो पहले लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होंगे, बट पाइथन लाइव स्ट्रीम का सर्वर बंद होगा तो वो ऑटोमेटिक सर्वाइवर में हो जाएंगे, तो सेकंड प्रायोरिटी सर्वाइवर होगा। फिर अगर सर्वाइवर भी बंद है तो वो थर्ड हेड स्टील में हो जाएंगे, तो थर्ड प्रायोरिटी हमारा हेड स्टील को होगा। तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए आपको ये फैक्शन है इसको तो पहले काट देना है यहाँ पे, इसको काटने के बाद यहाँ पे जो लॉबी है ना लॉबी वाले को बस यहाँ पे इंटर करना है, यहाँ पे एक तो कॉमा देना बीच में और फिर स्पेस देना और स्पेस देके आपको ये डबल कॉमा देना है, डबल कॉमा ये वाला डबल कॉमा, और इसके बीच में आपको ये लॉबी जो नाम है लॉबी की जगह हमने लाइव स्टील किया है तो लॉबी को भी काट के आप यहाँ पे लाइव स्टील लिख देना, ठीक, लाइव स्टील, और यहाँ सेकंड कॉमा में आप लिख देना सर्वाइवर, यहाँ पे फिर एक तो कॉमा देना और फिर एक तो स्पेस देके फिर एक तो ये डबल कॉमा और इसके बीच में हेड स्टील, मतलब जो आपका यहाँ पे नाम है वही नाम आप यहाँ पे लाइन बाय लाइन ऐसे लिख देना ब्रैकेट के अंदर, डबल कॉमा में पहला लाइन, फिर एक कॉमा देके स्पेस देना और फिर सेकंड सर्वर का नाम और फिर एक कॉमा देके स्पेस देना और फिर डबल कॉमा के अंदर आपको थर्ड सर्वर का नाम दे देना जिसको जैसे प्रायोरिटी है, ठीक। तो पहले बंदे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होंगे वो बंद है तो सर्वाइवर में, वो बंद है तो हेड स्ट्रीम में, वो भी बंद है तो ज्वाइन ही नहीं होगा, ओके। उसके बाद फोर्थ होस्ट है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसके अंदर जो भी लिखा ना इसको ऐसे सिलेक्ट करके कट कर देना, वह अगर कट नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगा, आपका सर्वर स्टार्ट नहीं होगा, तो इसको कट कर देना, ठीक। कट करने के बाद अब आपको इस सर्वर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना, आपका वेलोसिटी का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया, इसको सेव कंटेंट पे क्लिक कर दो और सेव कंटेंट जब हो जाए उसके बाद बस एक सेटअप बाकी है, आपको फिर वेलोसिटी का फाइल पे क्लिक करके फाइल के अंदर जाना और जो हमारा फॉरवर्डिंग सीक्रेट का जो फाइल है इसके अंदर जाओगे तो आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को आप यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अब आपको इस कोड को हर एक सर्वर में सेटअप करना है, तो पहले आप लाइव स्ट्रीम में जाना, फिर लाइव स्ट्रीम में जाके आप फाइल पे क्लिक करके फाइल के अंदर जाना, फाइल के अंदर जाके आपको कॉन्फिग का फोल्डर होगा उसके अंदर जाना और उसके अंदर जाने के बाद आपको पेपर डॉट ग्लोबल डॉट वाईमेल का फाइल होगा इसके अंदर जाना और इसके अंदर जाके आपको 94 नंबर के आसपास जाना है, तो आपको थोड़ा नीचे जाना और आपको 94 नंबर पे जाना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो 94 हमारा, देखो यहाँ पे 97 नंबर पे वेलोसिटी लिखा है तो ये फॉल्स है, तो आपको सबसे पहले इसको ट्रू कर देना, ठीक, TRUE ट्रू, और उसके बाद ऑनलाइन मोड ये ट्रू है, यहाँ पे ऑनलाइन मोड वही करना जो आपने वेलोसिटी में किया था, तो मैंने वेलोसिटी में ट्रू रखा है तो मैं यहाँ पे भी ऑनलाइन मोड ट्रू रखूंगा, अगर आपने वेलोसिटी में फॉल्स किया था तो यहाँ पे भी फॉल्स कर देना, ठीक। फिर यहाँ पे आपको सीक्रेट के कॉमा के बीच में आपने जो कॉपी कोड कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना और इसको सेव कंटेंट पे क्लिक कर देना। इतना करने के बाद फिर आपको फाइल पे क्लिक करके फाइल में जाना है और सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज में जाना है और इसमें जो ऑनलाइन मोड है ना इसको फॉल्स कर देना, भले आपका यहाँ पे ट्रू है बट आपको हर एक अलग अलग सर्वर के जो प्रॉपर्टीज वाला ऑनलाइन मोड है उसको फॉल्स कर देना, जो वेलोसिटी के नीचे ऑनलाइन मोड लिखा रहता है उसी को चेंज करना अपने वेलोसिटी के हिसाब से, ठीक। बट आपको सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज में जो यहाँ पे ऑनलाइन मोड लिखा रहता है इसको आपको फॉल्स करना ही पड़ेगा तभी बंदे ज्वाइन कर पाएंगे, तो ये फॉल्स हो गया। तो हमने लाइव स्ट्रीम में गए सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज में जाके इसको फॉल्स कर दिए और फिर कॉन्फिग में जाके पेपर ग्लॉपर का भी सेटअप कर दिए, तो हमारा लाइव स्ट्रीम का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे सर्वाइवर में, फिर सर्वाइवर के फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके फिर इसके सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज में पहले चलते हैं और इसमें जाने के बाद आपको ऑनलाइन मोड दिखेगा उसको आपको फॉल्स कर दो, तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड है ये हो जाएगा फॉल्स एंड फॉल्स करके सेव कर दो और सेव करने के बाद आपको फिर फाइल में जाना है और आपको कॉन्फिग के फोल्डर में जाना है और कॉन्फिग के फोल्डर में पेपर ग्लोबल डॉट वाईएमएल में जाना है और फिर आपको 97 नंबर पे जाना है, तो ये रहा 97 नंबर जिसमें वेलोसिटी फॉल्स है, तो इसको हम कर देंगे TRUE और इसका ऑनलाइन मोड ट्रू रखूंगा क्योंकि मेरा वेलोसिटी में ट्रू है। फिर इसके सीक्रेट के अंदर मैं कोड को पेस्ट कर दूंगा और इसको सेव कंटेंट पे क्लिक कर दूंगा, इसका भी सेटअप कंप्लीट और फिर मैं कंसोल में जाऊंगा और फिर अब सेम आपको हेड स्टील में भी कर लेना है, तो मैं ये फटाफट करता हूँ फिर मिलता हूँ, ठीक, लेट्स गो। तो हमारा यहाँ पे हेड स्टील का भी मैंने सेव कर दिया, इसका भी सेटअप कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, हर एक सर्वर अगर स्टार्ट है तो रिस्टार्ट कर लो, मैं हेड स्टील को यहाँ
पर स्टार्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं सर्वाइवर को स्टार्ट कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे वेलोसिटी का जो सर्वर है इसके कंसोल में जाके इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ। अब आपका सब सर्वर स्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है मैं दिखाता हूँ, बट आप लोग तब तक प्लीज इस वीडियो में 500 लाइक करवाओ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। तो देखो हमारा वेलोसिटी तो स्टार्ट हो गया, बाकी का भी फटाफट स्टार्ट करने का वेट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं, लेट्स गो। तो देखो गाइस यहां पे हमारा हेटरिल भी रनिंग है, ये भी रनिंग हो चुका है, ये भी रनिंग हो चुका है और वेलोसिटी तो पहले से ऑन है। उसके बाद आपको वेलोसिटी के आईपी को कॉपी करो, गेम के अंदर जाओ, मल्टीप्लेयर में जाओ, और यहां पे समझ लो मैं संजीव गेमिंग नेटवर्क में इसके आईपी को ऑलरेडी पेस्ट करके रखा हूं, दोबारा पेस्ट कर देता हूं, और इसका नाम अब हम कर देते हैं ब्लडी एमसी। तो ये हो गया हमारा ब्लडी एमसी सेव, और ज्वाइन करूंगा तो यहां देखो लिखा है ज्वाइन ब्लडी एमसी एसएमपी जो कि मैंने सेट किया था, प्लेयर 100 दिखा रहा, और उसके बाद मैं इसके ज्वाइन पे क्लिक करूंगा तो यहां पे हमारा ज्वाइन होगा जॉइनिंग वर्ल्ड, एंड यहां पे हम सर्वर ज्वाइन कर चुके हैं। और ये देखो हमारा ये सर्वर ज्वाइन हो गया, पहला बंजी कोड का सर्वर हमारा सेटअप भी हो गया और हम ज्वाइन भी कर लिए। और गाइस ये जो मैंने पेड होस्टिंग हमारे क्लाइंट ने लिया है ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है, आप अलग होस्टिंग भी ट्राई कर सकते हो, तो इस होस्टिंग पे जाना जरूरी नहीं है। ओके, ये बस मेरे क्लाइंट ने पेड खरीदा है तो मेरे को इसी में बनाना है, आप अलग होस्टिंग भी देख सकते हो। तो देखो अब से सर्वर ज्वाइन हुआ, ये कौन सा सर्वर ज्वाइन हुआ, तो ये हमारा लाइव विशिल वाला ज्वाइन हुआ होगा क्योंकि हमने उसका प्रायोरिटी पहला दिया है। तो यहाँ पे देखो लाइव विजिल के कंसोल में जाऊंगा तो देखो जॉइंट है, बाकी के कंसोल में कुछ भी नहीं है क्योंकि वहां पे अभी तक जॉइन नहीं किया हूं मैं। लाइव विजिल में पहली बार मतलब आप लाइव विजिल में जाओगे, ठीक। उसके बाद अगर आपको इसी सर्वर से आपको दूसरे सर्वर में जाना है तो आप लिखो स्लैश सर्वर स्पेस, आपका हर एक सर्वर का नाम आएगा, हेट स्टील लाइव विजिल सर्वाइवर। तो मेरे को हेट स्टील में जाना है तो हेट स्टील लिख के एंटर कर दूंगा तो मैं हेट स्टील में चला जाऊंगा उसी के थ्रू। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे सर्वर में हेट स्टील की जगह मैं लाइव ये सर्वाइवर लिख देता हूँ तो मैं सर्वाइवर में चला जाऊंगा, ठीक। तो ये ऐसे आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जा सकते हो, पर वहीं पे अगर मैं वो जो मॉडर्न सेट किया था उसके कारण अगर मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट करूँ और मैं डायरेक्ट अगर समझ लो सर्वाइवर का आईपी को यहाँ कॉपी करता हूँ और इसके आईपी को मैं यहाँ पे लेजर एमसी में समझ लो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करके मैं इसको ज्वाइन करने के ऑनलाइन दिखा रहा पर मैं ज्वाइन इसको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें लिखेगा दिस सर्वर रिक्वायर्स यू टू कनेक्ट विद वेलोसिटी, क्योंकि इसको हम लोग बस इस सर्वर के थ्रू ज्वाइन कर पाएंगे। और ये याद रखना अगर आपने ब्लडी एमसी में 100 प्लेयर स्लॉट किया ना तो आप एक एक करके हर एक सर्वर के सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज में जाना। चलो मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मैं लाइब्रेरी के फाइल पे क्लिक करके फाइल में जाना और सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज में जाके इसके मैक्स प्लेयर को भी आप 100 कर देना जितना आपने वेलोसिटी में किया, तो इसका 20 है तो मैं इसको 100 कर दूंगा, 100 करके सेव सेटिंग पे करके एक बार रिस्टार्ट कर देना, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में करूंगा। बस आप फाइल में जाके हर एक के सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज में जाके हर एक का प्लेयर स्लॉट उतना ही कर देना जितना आपने वेलोसिटी में किया है, ठीक। उसके कॉन्फिग में जो किया था वही आप बाकी सब में भी कर देना। तो मैं ये फटाफट कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ। तो इतना इजीली आप भी अपना वेलोसिटी का सेटअप कर सकते हो और हर एक सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो। और आज का पार्ट वन में इतना ही, पार्ट टू में हम लोग इसका लक पंप का सेटिंग करेंगे जिसमें आप एक लक पंप के थ्रू हर एक सर्वर को कनेक्ट करोगे, मतलब आप एक सर्वर में जो रैंक क्रिएट करोगे वही आपके लाइब्रेरी सर्वाइवर हेट स्टील हर एक में दिखेगा, या फिर आप एक सर्वर के लक पंप में जो परमिशन दोगे वही हर एक में होगा, आपको हर एक में अलग अलग परमिशन नहीं देना पड़ेगा। तो उसके लिए लक पंप का सेटअप करना पड़ेगा, वो कैसे करना है उसके लिए आपको पार्ट टू का वेट करना है जो कि मे भी कल ही आ जाएगा। तो बस अब वीडियो जल्दी जल्दी आएगा, बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, और हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय।